आज से लगभग 2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मोबाइल एडिक्शन पर और कई सारे आंखें खोल देने वाले फैक्ट्स मैंने आप सबके साथ में शेयर किए थे, लेकिन उस वीडियो को लेकर एक बात ऐसी है जो कि शायद आपके होश उड़ा करके रख देगी। कहने को तो इस वीडियो पर 5.9 मिलियन व्यूज है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि हुआ क्या था। 25 अगस्त 2020, ये वो तारीख है जब मैंने वीडियो अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद पहले ही दिन इस वीडियो पर आए थे 92,000 व्यूज, दूसरे दिन इस वीडियो पर आए थे 1,44,000 व्यूज, तीसरे दिन 2 लाख व्यूज और छठवें दिन एक ही दिन में इस वीडियो पर लगभग 1 मिलियन व्यूज आ गए थे और सातवें दिन भी इस वीडियो पर लगभग 1 मिलियन व्यूज आए। लेकिन आठवें दिन जब वीडियो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, तभी अचानक इसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई और आठवें दिन इस वीडियो पर व्यूज आए 1,98,000। और जब आठवें दिन इस वीडियो के व्यूज गिरे तो फिर कभी उठे ही नहीं, और उसके बाद का व्यूज का जो ग्राफ है वो आपके सामने है। शुरुआत के 9 दिन में ही इस वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज आ चुके थे और मुझे पूरा विश्वास था कि ये वीडियो जल्द ही 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ और पूरे वीडियो के जो इंप्रेशंस थे, जो कि डेली मिलियंस में जा रहे थे, वो अचानक रुक गए, या फिर ये कहें कि रोक दिए गए, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया के खिलाफ था और यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि इसी के प्लेटफॉर्म पर इसकी बुराई हो। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब ये वीडियो वायरल करेगा या फिर इस वीडियो को भी दबा देगा, लेकिन मेरा मकसद है कि भले ही कम लोग इस वीडियो को देखें, लेकिन जितने भी लोग देखें मेरे इस मैसेज को पूरे भारत में शेयर करें। जब 2.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब एक एवरेज इंसान 4 से 5 घंटे अपने फ़ोन पर स्पेंड करता था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 7 से 8 घंटे हो चुका है। और ये जो आंकड़ा है ये एवरेज है, वरना जो लोग ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं उनका स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे डेली का होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब 2.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं थे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पिछले 2 से 3 सालों में अपने आप को काफ़ी बदल लिया है, काफ़ी इम्प्रूव किया है, जिससे कि आप और भी ज़्यादा एडिक्ट हो सको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपने अपने आप को कितना बदला है, जीत आपकी हुई है या फिर सोशल मीडिया की हुई है, सोशल मीडिया आप चला रहे हो या फिर अभी भी सोशल मीडिया आपको चला रहा है। देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी डेली लाइफ के टाइम का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ फ़ोन चलाने में जा रहा है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, खुद का नाम देश में और देश का नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। हम सब अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से देश में योगदान दे सकते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे फोन पर लगे रहोगे तो कैसे योगदान दोगे? और फिर लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, गरीबी देश में सिर्फ यही एक चिंता का विषय नहीं है, मोबाइल फोन एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपकी लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर कोई इंसान 2 मिनट के लिए भी फ्री बैठा है और अगर वो बोर हो रहा है तो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन बिना किसी वजह के उसका जो हाथ है वो फोन की तरफ चला जाएगा। लोगों के अंदर इतनी क्षमता भी नहीं बची है कि 2 मिनट के लिए बोर हो सके, और इसी वजह से हमारी जो मुश्किल काम करने की क्षमता है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। आप अकेले में बिना कुछ किए 2 मिनट भी नहीं रह सकते तो कैसे जानोगे अपने आप को? सोशल मीडिया कहने को तो लोगों से कनेक्ट करने का एक जरिया है, लेकिन सच तो ये है कि आप अपने लोगों से भी दूर हो रहे हो इस सोशल मीडिया की वजह से। सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई है। आप ग्रुप में हो, रेस्टोरेंट में हो, 2 लोग बैठे हो, 3 लोग बैठे हो, फैमिली में बैठे हो, कहीं पर भी हो, सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई है। बॉडी का पोस्चर बिगड़ता जा रहा है, लॉन्ग टर्म में सबकी बॉडी की धज्जियां उड़ने वाली है। अनुपम खेर जी का एक वीडियो है जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है, हट्टा कट्टा मोबाइल, जिसमें वो बताते हैं कि मोबाइल फोन बहुत ही हट्टा कट्टा हो गया है। और ये यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया है। ये हाथ की घड़ी खा गया, चिट्ठियां पत्र खा गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैसेटें चबा गया, ये टॉर्च खा गया, किताबें खा गया, पड़ोस की दोस्ती, मेल मिलाप खा गया, लोगों के पास समय नहीं है ये लोगों का समय खा गया, रिश्ते खा गया, लोगों की तंदुरुस्ती खा गया, बच्चों का बचपन खा गया, परिवार की एकता खा गया, लोगों की गपशप खा गया, लोगों को रोगी बना रहा है ये मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, और सब लोग लगे पड़े हैं खुद को अच्छे से अच्छा दिखाने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों से अच्छा दिखने में। और ये सब करके जब मन चाहे लाइक्स नहीं मिलते ना, तो एंजाइटी होती है। बैठे बैठे चेक करना है कि उसने मेरी स्टोरी लाइक की या नहीं की, उसने देख लिया फिर भी लाइक नहीं किया, वो कभी कॉमेंट नहीं करता। दोस्तों, लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आपसे ना जाने कितने लोग कितनी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, और हम ये क्या बेहुदार कतें कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि रियल में अच्छे बनो, सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि रियल में फ्रेंड बनाओ, ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज्यादा मिलो और बातें करो, सोशल मीडिया पर कम और रियल में ज्यादा एक्टिव रहो। खाने का उपवास करने से डाइजेशन सही होता है, और सोशल मीडिया का उपवास करने से माइंड और लाइफ सही होती है। एक दिन इंस्टाग्राम को उपवास करो, एक दिन फेसबुक का करो, और एक दिन पूरे मोबाइल फोन का ही उपवास करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि सिगरेट का एडिक्शन तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा, लेकिन मोबाइल फोन का एडिक्शन आपकी पूरी जिंदगी। कौन कहता है कि हम आज़ाद हो गए? हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अब उनकी बनाई हुई एप्लीकेशन के गुलाम हैं। और आधे से ज्यादा जो आप देख रहे हो सब कुछ फेक है। इस लड़की ने सुसाइड करने के 6 घंटे पहले ये फोटो डाला था,
ना जाने कितने लोग इसकी इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि यार इसकी लाइफ कितनी सही है, ये कितनी खुश है, ये अपनी जिंदगी में कितने मजे ले रही है। सब दिखावा है, दिखावे की दुनिया चल रही है। इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए जियो। लोगों की सुबह की शुरुआत फोन से हो रही है, अंत फोन से हो रहा है। रात की दो दो तीन तीन बजे तक लगे पड़े हर 10 से 15 मिनट में अपना फोन चेक करते रहते हैं। नोटिफिकेशंस को ऐसे पिक करते हैं जैसे हर नोटिफिकेशंस को पिक करने पर 1000 रुपए मिल रहे हो। और एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी ज्यादातर लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और मुझे नहीं पता कि YouTube ये वीडियो आगे जाने देगा या फिर इसे दबा देगा। YouTube मुझे और इस वीडियो को रोक सकता है, लेकिन YouTube आपको नहीं रोक सकता शेयर करने से। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हर इंसान को इसके बारे में चिंता करने के लिए जागरूक करें। फैला दो इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में, और आप चेंज लाओगे तो आपको देखकर 10 लोग और चेंज लाएंगे। गायब हो जाओ सोशल मीडिया से, सिर्फ काम के लिए यूज करो। और ये कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना कि ये वीडियो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देखो, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा और बेकार खाना एक दिन आपको मार भी देगा। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।